नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नए सवेरे के साथ आज हिस्ट्री के एक अच्छे टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देखेंगे और इसमें विभिन्न प्रकार के राजा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुणाल, बृहदत्त आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन ये मौर्य साम्राज्य का देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश भारत का प्रथम वंश था। इसके बारे में देखिए व्याख्या समझते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किया गया सबसे पहला साम्राज्य था और यह साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। महापद्म नंद नंद वंश का एक महान शासक था और उसने पौरवों, इच्छाकुओं और प्रोद्योतों को, जो कौशाम्बी, कौशल और अवंती में शासन करते थे, उन्हें पराजित कर लिया और अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसमें देखिए मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किया गया था, सबसे पहला साम्राज्य था, ऑक्सस की घाटी से कावेरी द्रोणी तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो मेगास्तनीज आया था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, फायन भी चीनी यात्री भारत आया था, कोलंबस जो था वो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, इसलिए कोलंबस भारत में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, मेगास्तनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फायन जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का, मेगास्तनीज किसके दरबार में था? मेगास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। व्याख्या भी, मेगास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मेगास्तनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्तनीज ने एक ही पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था, ऑप्शन नंबर एक। इससे इंडिका बुक से भारत के मौर्यकालीन इतिहास की पूर्ण जानकारी मिलती है हमें। मेगास्तनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्तनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके पूर्व मेगास्तनीज आरकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्तनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इंडिका के लेखक मेगास्तनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी।
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और बाद में उनका प्रधानमंत्री भी बना। दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व महान एक पुरोहित था, प्रधान जिसे कहते हैं, वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था चाणक्य। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्ग निर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। चाणक्य को द्विजसर्व भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मैसूर के श्रवण बेलगोला में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। इनकी मृत्यु संलेखना विधि हुई थी। आइए व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। चाणक्य को इन ऑप्शनों में किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त है, आंसर सत्य है। देखिए यहाँ पे व्याख्या द्वारा समझते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुराणों में चाणक्य को द्विजसर्व कहा गया है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। उन्होंने चाणक्य ने राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो है वह 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरणों में विभक्त किया गया है और इनके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? भारत का प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, किसने की थी। मौर्य राजवंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। आइए देखते हैं इसकी स्थापना। सबसे प्राचीनतम राजवंश नंदवंश है। नंदवंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, मौर्य वंश का शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व, जबकि गुप्त वंश का शासनकाल 320 से 554 ईस्वी तथा पल्लव वंश का शासनकाल 171 ईसा पूर्व से 26 ईस्वी तक था। इसीलिए उपयुक्त आंसर में दोस्तों
यहाँ पे सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है, तो आंसर हो जाएगा नंद वंश। और नंद वंश का शासक उस समय घनानंद था। इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और अशोक बिंदुसार का बेटा था। अशोक मौर्य सम्राट से संबंधित है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि को संभवतः जो स्पष्ट करने का श्रेय है वह जेम्स प्रिंसेप को है। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार ही अशोक का इतिहास लिखने का शैलाध्य प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। कब? देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसका प्रमाण भ्राम्बू लघु स्तंभ लेख से मिलता है। अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करते हुए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भ्राम्बू स्तंभ लेख वाला, किस लेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अभिवादन करते हुए देखा गया है? भ्राम्बू लघु स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है, अपने अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो वह है प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर एक। अब प्रियदर्शी का अर्थ देखिए क्या होता है। अशोक के प्रायः सभी अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को कहां पर देखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चट्टान आलेख पर। ये देखिए कौन सा आलेख है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उनके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को परिवर्तित कर दिया था और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय की नीति का श्री गणेश किया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ढौली नामक स्थान पर लड़ा गया था। देखिए ढौली कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में ढौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो जैसे ही क्वेश्चन स्तंभ का है या अभिलेख शिलालेख, उसमें हिचकिचाना नहीं दोस्तों, अधिकतर का आंसर अशोक सम्राट ही होता है। शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभलेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे। भारत का जो प्रसिद्ध राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इनका निर्माण भी अशोक ने करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने चार गुफाएं बनवाई थी, कर्ज चौपाड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, आजीविकाओं के रहने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो अशोक। सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है या अशोक के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो उस समय कुषाण का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांडेय, सतीय पुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा पन्न थी, ऑप्शन नंबर एक में। अब ये मुद्रा देखते हैं कैसे होती है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन्न थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निस्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कारसापन या धरन कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मासक कहलाते थे तथा काकनी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। निस्क मुद्रा इकाई, निस्क और शतमान सोने के थे, या निस्क शब्द का उल्लेख सिक्के से होता है। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजात शत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, यह हर्यक वंश का शासक था। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था और यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ, ऑप्शन नंबर एक में। देखिए व्याख्या से, पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा था, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। आइए मौर्य वंश के देखते हैं कब पतन हुआ। मौर्य वंश का अंतिम राजा दोस्तों बृहदत्त था, पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। बृहदत्त का इसने बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदत्त मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो सांची स्तंभ अशोक के समय बना था। सांची का स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ चार सिंहों की आकृति मंडित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। देखिए, पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। परिशिष्ट पर्वन गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना की थी। आइए दोस्तों, जितने क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पढ़े उन सब का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मौर्य समाज का वर्गों में विभाजन मेगास्तनीज द्वारा इंडिका में किया गया है। वो विभाजन था दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। नेक्स्ट है इसमें, दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। उसके बाद आता है, मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने शुंगमित्र, देवानाम प्रिय व मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम व जॉन मार्शल में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्र तिस्त की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उनके अंग नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष के चार शेर को ग्रहण किया गया है। मध्य प्रदेश सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अशोक के लघु शिलालेख सिद्धापुरा, रूपनाथ, जटिंग रामेश्वर तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कोलंबस भारत नहीं आया था। पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण से है।
अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। अशोक मौर्य वंश का शासक था। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन को ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन देखिए, अशोक ने राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन को ग्रहण किया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का आश्रय दिया था। मौर्य प्रशासन में सन्निधता कहलाने वाला मुख्य अधिकारी कोषाधिकारी था। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक द्वारा किया गया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का नमूना है। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। विशाख दत्त रचित प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्तनीज था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है। मौर्य काल के 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर कुम्हरार पटना से संबंधित है। 14 मेजर रॉक एडिक्टस अशोक से संबंधित है। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोशली थी। सारनाथ का लॉयल कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की विजय होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट द्वारा लिखकर जरूर बताएं। जय माता दी।